एवरीवन, वेलकम इन अवर मैथ्स क्लास। आज हम करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक डिवीजन। तो लेट अस बिगिन नाउ। डिवीजन इज अ प्रोसेस ऑफ इक्वल शेयरिंग। डिवीजन किस चीज का प्रोसेस होता है? इक्वल शेयरिंग का, जिसमें हम चीजें बराबर शेयर करते हैं यानी कि बांटते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इसे हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि होंगे कि हम डिवाइड करते वक्त नंबर्स को सब्ट्रैक्ट भी करते जाते हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं, हम वन बाय वन उन टर्म्स के बारे में जानेंगे। द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविडेंड। जो नंबर डिवाइड करना होता है उस नंबर को हम कहते हैं डिविडेंड। द नंबर बाय विच वी डिवाइड इज कॉल्ड द डिवाइजर। जिस नंबर से हम डिवाइड करने वाले हैं उस नंबर को कहते हैं डिवाइजर। और द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन इज कॉल्ड क्वेश्चेंट। जो हमारा रिजल्ट आता है डिवीजन करने के बाद उसे हम कहते हैं क्वेश्चेंट। और द नंबर दैट इज लेफ्ट ओवर इज कॉल्ड द रिमाइंडर। और जो नंबर लास्ट में बच जाता है डिवाइड करने के बाद वो हम क्या कहलाता है? हमारा रिमाइंडर। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल की मदद से हम टर्म्स कौन कौन से यूज होते हैं उनको समझते हैं। अभी हमने टर्म्स में क्या था कि जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है उसे कहते हैं डिविडेंड। तो ये देखिए, बीच में कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है? 840। तो ये 840 क्या हो जाएगा? मेरा डिविडेंड हो जाएगा। जो नंबर डिवाइड कर रहा है, यानी कि जो नंबर डिवाइड कर रहा होता है वो हमेशा इस साइड पे होता है, ठीक है, राइट साइड पे होता है। तो जो नंबर डिवाइड कर रहा है वो क्या कहलाता है? डिवाइजर, ठीक है। अब डिवाइड करने के बाद आपका इस साइड पे नंबर आता है, जो नंबर हमारे जिस टेबल से वो डिवाइड हो रहा है। तो जो इस साइड पे हमारा नंबर आता है, जो रिजल्ट होता है हमारा फाइनल आंसर, वो क्या कहलाता है? क्वेश्चेंट। और जो लास्ट में बच जाता है, चाहे वो जीरो बचे, वन बचे, टू बचे, जितना भी बचे, वो क्या कहलाता है? मेरा रिमाइंडर, यानी कि बचा हुआ जो लास्ट में है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे जो टर्म्स यूज किए जाते हैं डिवीजन करते वक्त। Now we will learn about properties of division. Division के properties के बारे में जब पढ़ेंगे। So first is when a number is divided by one. अगर आप किसी भी number को one से divide करते हैं तो the quotient is number itself. तो किसी भी number को आप one से divide करेंगे तो आपका answer वही number आ जाएगा। जैसे example में मैं 123 को divide कर रही हूँ one से। तो जब मैंने 123 को डिवाइड किया 1 से, तो 1 1s are 1, देन 2 1 2s are 2, देन 3 1 3s are 3। तो आप देखेंगे जब मैंने 123 को 1 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर क्या आ गया? 123 ही आ गया। तो यही है कि जब भी आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे आपका वही नंबर जो आगे आपका था डिविडेंड था वही आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वेश्चेंट इज 1। जब आप किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चेंट हमेशा क्या आएगा? 1। जैसे यहाँ पे मैं 123 को 123 से ही डिवाइड कर रही हूँ ना 123 को 123 से ही कर रही हूँ, तो मेरा आंसर हमेशा कितना आएगा? 1। तो ये याद रखना है, जब भी आप किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चेंट हमेशा 1 आएगा। नेक्स्ट है व्हेन जीरो इज डिवाइडेड बाय अ नंबर। जब आप जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो आपका क्वेश्चन हमेशा क्या आता है? 0। जैसे मैं यहाँ पे 0 को 12 से डिवाइड कर रही हूँ, तो 12 मेरा डिवाइजर, 0 मेरा डिविडेंड। अब 12 के टेबल में 0 कब आएगा? जब मैं उसे 0 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो 12 0s are 0। तो किसी भी नंबर को जब आप 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर हमेशा कितना आएगा? आपका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। नेक्स्ट है डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब देखिए, मैंने यहाँ एग्जांपल में लिखा है कि मैं 12 को 0 से कर रही हूँ, लेकिन 0 के टेबल में तो कभी भी 12 आ ही नहीं सकता। 12 क्या, 0 के टेबल में कोई भी नंबर कभी नहीं आ सकता, क्योंकि 0 0 ही रहता है। तो आप कभी भी किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी डिवीजन। करेंगे हाउ टू डू डिवीजन, यानी कि डिवीजन करते कैसे है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो देर आर टू क्वेश्चंस। एक में है आपका वन डिजिट डिवीजन और दूसरे में है आपका टू डिजिट डिवीजन, ठीक है। तो पहले हम इनको क्या करेंगे, पहले हम इनको अरेंज कर लेंगे। तो मैंने अरेंज कर लिया 234 और इधर 4, ठीक है। अब डिवाइड करते वक्त ये याद रखना है कि आप वन डिजिट वाला डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हम एक डिजिट को यूज कर सकते हैं कि नहीं। पहले हम देखेंगे फर्स्ट वाली डिजिट। फर्स्ट वाली डिजिट है 2, लेकिन मुझे डिवाइड करना है 4 से, तो यानी कि मैं 2 अकेला नहीं ले सकती, क्योंकि 4 के टेबल में 2 आएगा ही नहीं, इसलिए मैं 23 को लूंगी,
ठीक है। अगर दिक्कत होती है, अगर दिक्कत होती है टेबल में, वैसे तो 4 का टेबल में नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे साइड में एक ऐसे कॉलम डाल के उसमें अपना टेबल लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसे हो गया। अब मैं देखूंगी 4 के टेबल में 23 कहीं भी आता है, कहीं भी नहीं आता है, लेकिन 23 से कम तो आ सकता है, तो मैं देखती हूँ 4 के टेबल में 23 से कम कितना आता है, 20 आता है 5 पे, तो 4 5 20 मैंने सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इसमें सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। 3 में से 0 गए 3, 2 में से 2 गए 0, हम मैंने 4 को एरो डाल के ले लिया नीचे। अब 4 के टेबल में 34 नहीं आता है, 34 से कम कितना आता है, 34 से कम आता है 32, तो 4 8 32। फिर मैंने किया सब्ट्रैक्ट, 4 में से 2 गए 2 और 3 में से 3 गए 0। अब 2 तो नहीं आ सकता 4 के टेबल में, आगे कोई और नंबर है भी नहीं लेने के लिए, तो ये मेरा क्या बच गया, रिमाइंडर। तो नीचे मैं क्या लिख दूंगी, नीचे मैं लिख दूंगी क्वेश्चन, क्योंकि हम हमेशा क्वेश्चन के लास्ट में लिखते हैं जब भी हम करते हैं क्वेश्चन और रिमाइंडर जो भी आया है हमारा, ठीक है। डिवाइड करते वक्त क्वेश्चन आया 58 तो 58 और रिमाइंडर आया 2 तो 2, ठीक है। अब आते हैं हम जो दो डिजिट वाले डिवीजन करने हो, पहले हम इनको कॉलम्स में अरेंज कर लेते हैं डिवीजन के, ये हमने अरेंज कर लिया। अब हम देखेंगे ये जब भी हम टू डिजिट वाले नंबर से वो करते हैं डिवाइड करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हम क्या इसमें दो नंबर यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे 12 है लेकिन यहाँ पे 11 है, तो 11 तो आ ही नहीं सकता 12 के टेबल में, इसलिए हम स्टार्टिंग के 3 डिजिट लेंगे, ठीक है। तो 12 के टेबल में हम देखेंगे 114 आता है या नहीं, नहीं आता है, तो 114 से कम क्या आता है, 12 9 108 आता है। अब हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट, 4 में से 8 तो नहीं जा सकता, सिंपल हमने जैसे किया हुआ है सब्ट्रैक्शन में, ये से दे देगा 1 बोरो और ये खुद कट के हो जाएगा 0। 14 में से 8 गया 6, 0 0 और 1 में से 1 कट हुआ 0। अब हमने ले लिया नीचे 5, 12 के टेबल में 65 आता है, नहीं आता है, 65 से कम कितना आता है, 12 5 60 आता है। हमने सब्ट्रैक्ट किया, 5 में से 0 गए 5 और 6 में से 6 गए 0, सिंपल हो गया ये भी। अब इसमें भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे जितना आया है 95 और रिमाइंडर लिखेंगे जो आया है हमारा 5, ठीक है। तो इस तरह से डिवीजन किया जाता है। तो आज हमने ये पूरा डिवीजन का टॉपिक किया, ठीक है। आई होप आपको ये डिवीजन का टॉपिक समझ आया होगा अच्छी तरह से, और अब आप डिवीजन बहुत ही इजीली कर सकेंगे।